ऐसा दर्द जिसे मैं जिंदगी भर नहीं उभर पाऊंगा। मुझे जानना है कल रात क्या हुआ था। चाहे जो भी हो जाए लेकिन कल रात जो हुआ डॉक्टर साहब को नहीं पता चलना चाहिए। रानी वीर की बढ़ती गलतफहमी। कल रात आप कहाँ थी? हम आपके साथ आपके कमरे में ही थे, और कहाँ होंगे हम? रिश्ते में पड़ती गहरी दरार। वो भी बड़े भोले हैं, हम जो कहते हैं मान जाते हैं, पर उसका मतलब ये नहीं कि हम खुलेआम अपना खेल चलाते रहे। ये राज को अपने गमछे में बांधकर बक्से में बंद करके रख, काहे कि एक बार जो बाहर आ गया ना बहुत ही बड़ा बवाल हो जाएगा। जी टीवी के सीरियल अपना टाइम आएगा में रानी और वीर एक दूसरे से बात तक नहीं करना चाहते, जिसके चलते इनके बीच की गलतफहमी दिन ब दिन और बढ़ती जा रही है। इनकी गलतफहमियों को दूर करने के लिए रानी की दादी और काका ने दोनों से अलग अलग बात करने की कोशिश भी की, लेकिन दोनों ने अपना गुस्सा दिखाते हुए सामने वाले की गलती बता दी। बिटिया तो ही तो कहत रही ना कि दामाद बाबू बहुत अच्छे हैं, तोरा को कोनो रोक टोक नहीं करत है, तोरा का अपने मन की बात कहे की पूरी आजादी है, तो ही कहत रही ना। गलत थे, बहुत गलत थे। नाराज हूं क्योंकि रानी ने मुझसे झूठ बोला काका। आप तो मुझे बचपन से जानते हैं, आप जानते हैं कितना अकेला रहा हूं मैं। तो बहू इंसान गलत नहीं होते, हालात गलत बन जाते हैं तो अपनी मन की बात खोलकर काहे नहीं करत है, तो हर मन हल्का हो जाए बिटिया। और उनका दर्द पाठ कौनो ना कौनो बीच का रास्ता जरूर निकल आई। अब बहुत देर हो चुकी है दादी अम्मा, और उनकी ना ही सुन सकते हम। इससे ज्यादा अगर हम सुनने गए तो फिर पूरी तरह से टूट जाएंगे। उन्हें हमारी कोनो फिकर ना ही है, उनके अंदर तो इतना गुस्सा भरा पड़ा है कि भूखे आग में वो हमें जला दे जा रहे हैं बिना हमारे किसी गलती के। ऐसा होता है का पति पत्नी का रिश्ता? चप्पन में आया सुना दिए, चिल्ला दिए, सक कर लिए, इल्जाम लगा लिए, ना जाने का का बोल देते हैं। उनकी एक गलत फहमी के चक्कर में वो ना जाने का का हरकत कर बैठे, हम आपको बता भी नहीं सकते। पहले तो हम दुखी होकर आंसू बहाते थे, लेकिन अब हमें बहुत गुस्सा आता है, नाराजगी है हमारे अंदर। चीजों को ठीक करना चाहता था, इसीलिए क्या ना अपना शक दूर करना चाहता था, मैं रानी पर भरोसा करना चाहता था, लेकिन बदले में उन्होंने मुझे दिया तो सिर्फ दर्द। कुछ नहीं बचा। रानी अपनी दादी माँ के सामने अपने दिल का दर्द बयां कर रही है। इतना ही गुस्सा है हमारे अंदर, उतनी ही तकलीफ। उनका पत्ता सवाल अभी भी हमारे कानों में गूंज रहा है, बीच रात से जगा देता है हमें, और जब जब वो हमारे सामने आ जाते हैं ना तो हमें वो पल याद आ जाता है जब उन्होंने हम पर, दादी माँ आपकी रानी पर शक किया। हम कभी कुछ ऐसा कर ही नहीं सकते, फिर भी हम पर शक किया उन्होंने। तो वहीं दूसरी तरफ वीर भी अपनी आंखों में आंसू लिए काका से अपने सवालों का जवाब मांग रहे हैं। चाहे जो भी हो जाए लेकिन कल रात जो हुआ डॉक्टर साहब को नहीं पता चलना चाहिए। कल रात आप कहाँ थी? हम आपके साथ आपके कमरे में ही थे, और कहाँ होंगे हम? वो भी बड़े भोले हैं, हम जो कहते हैं मान जाते हैं, पर उसका मतलब ये नहीं कि हम खुलेआम अपना खेल चलाते रहे। ये राज को अपने गमछे में बांधकर बक्से में बंद करके रख, काहे कि एक बार जो बाहर आ गया ना बहुत ही बड़ा बवाल हो जाएगा। सारी दुनिया अपना इलाज कराने मेरे पास आती है काका, लेकिन मैं किसके पास जाऊंगा? कौन ठीक करेगा मुझे? रानी ने मुझे इस कदर तोड़ा है, मैं कभी जुड़ नहीं पाऊंगा। उनके एक जवाब ने सब कुछ खत्म कर दिया काका। रानी और बिरजू के रिश्ते को लेकर गलतफहमी के शिकार हुए वीर सिर्फ और सिर्फ अपने सवालों का जवाब चाहते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ रानी भी वीर के शक का इलाज किए बिना ही
वीर को अपने आप से दूर करना चाहती हैं। हमें लगता था कि सारे आदमी उन्हीं की तरह होंगे, जो सुनेंगे, समझेंगे, इज्जत देंगे, भरोसा करेंगे, लेकिन आपके और बिरजू के बीच में क्या रिश्ता है? प्लीज मुझे बता दीजिए कि आप दोनों के बीच में सिर्फ दोस्ती है और कुछ नहीं। अगर हमेशा से ही बिरजू से शादी करनी थी आपको, तो एक बार मुझसे कह के देखती, मैं खुद आपके रास्ते से हट जाता रानी। इस तरह छुपते छुपाते चोरों की तरह बिहेव करने की क्या जरूरत थी? इतने सालों में जो जो आत्मसम्मान हम जुटाए थे अपने नजरों में, सब हिला कर रख दिए डॉक्टर साहब, सब हिला कर रख दिए। देखना होगा कि क्या काका और दादी माँ दोनों के रिश्तों में सुधार ला पाएंगे या फिर दोनों के रास्ते अलग हो जाएंगे। आज तक भी तू ही कहत रही ना